जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 12, 13, 14, 15 की डेफिनेशंस बोर्ड के हवाले से जो नाइन्थ क्लास की बहुत अहम है वो अब हम करने लगे हैं। तो तवज्जो कीजिएगा, राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट बहुत अहम डेफिनेशन है, ठीक है। इसके अलावा जो डेफिनेशन सबसे अहम है वो है राइट बाइसेक्टर ऑफ एंगल। ये दो डेफिनेशन है, ये देखें 24 टाइम्स एंगल बाइसेक्टर की आई हुई है, वो मैं तरतीब नहीं लगाई, नीचे लिखी हुई है अभी। और राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट वो 22 दफ़ा सवाल आया हुआ है, तो बहुत अहम सवाल है। इसके अलावा जो बाकी सवाल हैं वो बहुत कम आए हुए हैं, लेकिन उसको भी देख लेते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, एक्यूट एंगल क्या है, एक दफ़ा आया हुआ है। फिर उसके बाद जो है वो बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट 5 दफ़ा आया हुआ है। फिर इसके अलावा ये कुछ सवाल हैं जो कि डेफिनेशन नहीं है, सवाल है लेकिन पेपर में आ सकते हैं। व्हाट विल बी द लाइन ऑफ द सेंटर ऑफ अ सर्कल पासिस थ्रू द 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, 3 दफा आया हुआ, व्हाट डू यू राइट बाय सेक्टर ऑफ अ। तो ये आप इसको तवज्जो से देख सकते हैं कि ये क्या सवाल है, ठीक है। तो 13वां चैप्टर है, 13वें चैप्टर में से कोई भी डेफिनेशन नहीं आई हुई, तो ये चैप्टर तो वैसे ही मारा गया, ठीक है। इसमें से कोई डेफिनेशन इतनी अहम नहीं है, अगर जो इस चैप्टर की हैं वो दूसरे चैप्टर्स में आई हुई हैं, ठीक है। सिमिलर ट्रायंगल्स 43 टाइम्स, रेशियो की डेफिनेशन 42 टाइम्स, प्रोपोर्शन की डेफिनेशन 38 टाइम्स, तो बड़ी अहम ये तीन डेफिनेशन हैं भाई। और कंकरेंट ट्रायंगल्स की डेफिनेशन 19 टाइम्स, फिर टू प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द सिमिलर इन अ डेली लाइफ। डेली लाइफ में आपने बताना है कि सिमिलर ट्रायंगल्स काम पे इस्तेमाल होती हैं। 16 दफ़ा डेफिनेशन है इसकी। तो फिर वो कहता है कि फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट ऑफ द रेशियो, आपको पता है कि रेशियो को अगर मैं यहाँ पे लिख के दिखाऊँ तो ए रेशियो बी लिखा जाता है यूँ करके, ठीक है। स्मॉल ए बी सी का आप लिखेंगे ए, हाँ। तो कहते हैं ये फर्स्ट एलिमेंट और सेकेंड एलिमेंट को क्या कहते हैं, इसके बारे में बताएँ आप। फिर है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द नॉलेज ऑफ द रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो और प्रोपोर्शन का नॉलेज क्यों अहमियत रखता है, वो 3 दफ़ा सवाल आ चुका हुआ है। फिर है जी बिटवीन लाइन एंड प्लेन में क्या फ़र्क है, वो बताएं, 3 दफ़ा सवाल आ चुका हुआ है। रेशियो और प्रोपोर्शन की डेफिनेशन दोबारा से ऊपर से रिपीट होगी, 2 दफ़ा सवाल आ चुका हुआ है। तो इस चैप्टर में जो सबसे अहम सवाल हैं वो तकरीबन ये हैं, अगर आप इसको तैयार कर लें तो बहुत ही कामयाबी हो जाएगी। 15वां चैप्टर है जी पाइथागोरस थ्योरम के हवाले से, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, 35 टाइम आ चुका हुआ है। राइट एंगल ट्रायंगल 13 दफ़ा सवाल आ चुका हुआ है। फिर पाइथागोरस थ्योरम लिखें, 6 दफ़ा सवाल आ चुका हुआ है। कन्वर्स ऑफ द थ्योरम, ये जस्ट कन्वर्स ऑफ अ थ्योरम है, पाइथागोरस का कन्वर्स एक अलग सवाल है, ये कन्वर्स ऑफ थ्योरम से क्या मुराद है, वो 5 टाइम आ चुका हुआ है। वट इज़ मीन बाय द कन्वर्स ऑफ थ्योरम हो गया, ऑब्ट्यूस ट्रायंगल 4 दफ़ा आ चुका हुआ है। और ये देखें पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स क्या है, 3 दफ़ा सवाल आ चुका हुआ है। फिर वो कहता है कि पाइथागोरस कौन था और उसने क्या ड्राइव किया था, 3 दफ़ा सवाल आ चुका हुआ है। वट इज़ मीन बाय द पाइथागोरस हाइपोटेनियस ऑफ द, हाइपोटेनियस से क्या मुराद है, तो आपको पता है 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हाइपोटेनियस कहते हैं। तो ये सवाल हमने चैप्टर की 12वां 13वां 14वां 15वां चैप्टर, तो अपने दोस्तों से लाजमी शेयर करें वीडियो को और इसको अच्छे तरीके से याद करें। नोट्स अवेलेबल हैं व्हाट्सएप पे पीडीएफ फॉर्म में, अगर आपको किसी को चाहिए तो आप हमारे स्क्रीन पे जो नंबर है व्हाट्सएप उससे रابطہ कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।